सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। कम टू द पॉइंट, द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द वन थिंग। देखिए, आप सभी ने 1964 से लेके आई थिंक 1962 के अंदर जब चाइना का वॉर हुआ था हमारे इंडिया से, तो उसके बाद हमने सारी टाइमलाइन पढ़ी थी। 64 में कैसे डेथ हुई नेहरू जी की, 65 में फिर कैसे 1965 के अंदर किस तरीके से फिर पाक युद्ध हुआ, 1964 के अंदर युद्ध होने के बाद हमने 1964 से 66 के बीच में हम लोगों ने फिर फाइनली किस तरीके से शास्त्री जी का टाइम पीरियड देखा, उसमें कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह सारी चीजें आई। एंड देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ 1967 इलेक्शन, फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन के अंदर हमने फाइनली डिसाइड करा कि कैसे इंदिरा गांधी को एक लीडिंग कैरेक्टर के रूप में लाया जाएगा। एंड उसके बीच का काफी कचरा वाला स्टोरी चल रहा था। 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, ये सब हो चुका था। एस निजलिंगप्पा ने कुछ बोल दिया, नेहरू जी की बेटी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कुछ बोल दिया। सो ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर। अगर आपने वो लास्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप इस चैप्टर को लिंक नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर जरूर वॉच आउट करिएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर चल क्या रहा था। ठीक है, चैप्टर में क्या कहानी चल रही थी वो आपको समझ में आएगी। अब कम टू द पॉइंट, सो इन दिस चैप्टर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1971 में जब इलेक्शन हुआ, 1971 के अंदर जब इलेक्शन हुआ जिसे आप फिफ्थ जनरल इलेक्शन बोलते हैं, और यहां पर इंदिरा गांधी जी एक शेरनी के रूप में उभर के आए सामने। सो एट दिस टाइम इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो क्या कहते हैं, सारा जहान मेरे कदमों में है और मैं पूरी तरीके से सबको नस्तो नाबूद कर सकती हूँ अपनी पावर से। बट आपको पता है कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेम यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के साथ भी यही सिचुएशन थी। अब इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके से इंदिरा गांधी जी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरीके से सिस्टम में बदलाव लाएं, क्योंकि 1967 के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो रहे थे, वो सब आपने पढ़ा है। सो अगर टॉपिक की बात करें पूरे चैप्टर की, तो इसमें बेसिक इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है। 1971 में इसकी स्टोरी, इस पूरे चैप्टर की स्टोरी 1971 से लगभग 80 के टाइम पीरियड तक, यानी कि 10 साल में भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें हुई, हम वो सारा समझेंगे। आप टाइमलाइन के हिसाब से चलिएगा इंडिया वाली बुक को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो नेसेसरी था कि नहीं था इमरजेंसी इम्पोज करना, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। अब इमरजेंसी देश का काला पन्नों पर लिखा गया इतिहास, सॉरी जो इतिहास है वो खाली पन्नों पे दर्ज हो गया था। सो हाउ इमरजेंसी इम्पोज्ड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाई गई थी सही मायने में, व्हाट इज द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी मींस इन द प्रैक्टिस, तो क्या किस तरीके से जो इमरजेंसी लगाई जा रही है वो किस तरीके से प्रैक्टिस में लाई जाएगी, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इमरजेंसी अगर लगाई गई थी तो उसके परिणाम क्या निकल गया है सामने, और यहाँ पे पार्टी की जो पॉलिसीज थी उस पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या क्या बदलाव हुए, और हमें अंत में सीखने को क्या मिलता है इमरजेंसी से, इंडियन डेमोक्रेसी को क्या सीखने को मिलता है, या इंडियन डेमोक्रेसी का इससे किस तरीके से इफेक्ट पड़ा। ओके, सो ऑल दीज टॉपिक विल कवर। और भाई देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, तो मैं इसे पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन आपने समझना है मेन चैप्टर की थीम स्टोरी क्या है। अगर आप चैप्टर की थीम स्टोरी समझ पा रहे हैं ना, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि चैप्टर में चल क्या रहा है बॉस। अगर आपको चैप्टर में जो चल रही चीजें वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर तो बात वही है कि आपको सर पैर का ही नहीं पता है ना। सो सर पैर पता करिए, कहने का मतलब प्रैक्टिकली समझिए। यू डोंट नीड टू लर्न, मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, नॉर्मली समझते चलिए, और फिर आपको पता है कि बहुत कुछ आप आसानी सीख पाओगे। और जो चीजें आप 12th क्लास में सीख रहे हो आपको इन फ्यूचर यूपीएससी के एग्जाम में या आपके किसी कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम में भी आपको बहुत फायदा करेगी। ओके, कम टू द पॉइंट, द पॉइंट इज दैट कांग्रेस आफ्टर 69 नहीं बोल रहा मैं, 67 बोल रहा हूँ। तो 67 यानी कि 1967 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार या कांग्रेस की सरकार में क्या क्या परिवर्तन आए उसे एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इंदिरा गांधी जी एक अग्रिम नेता के रूप में उभरी, क्योंकि इंदिरा गांधी की रेस चल रही थी, इंदिरा गांधी जी की रेस चल रही थी किससे, मुरारजी से, मुरारजी
देसाई जी से है ना, तो उनसे चल रहे थे तो यहाँ पे मोरारजी देसाई जी का पत्ता कटा हो गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को तो सिंडिकेट मेंबर्स ने कहा कि भैया यू आर द लकी चाम, और भाई हम तो आपके फादर के प्रति स्नेह भावना और प्रेम भावना रखते हैं, तो भाई आपके प्रति भी रखेंगे। सो दैट इज वाई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को काफी मदद मिली, वो हमने समझा था। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि पार्टी के बीच में कॉम्पिटिशन बहुत गहरा हो गया था। देखिए जब आप किसी से बात नहीं करते हैं ना तो सोल्यूशन निकल नहीं पाता है, तो सोल्यूशन यही होता है कि कोल्ड वॉर के अंदर एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, दोनों सरकारें आपस में बात ही नहीं करती थी, और ये कोल्ड वॉर जो होता है बहुत गहरा होता है, समझ रहे हैं ना, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। लड़ाई कर लीजिए खत्म हो जाता है मामला, लेकिन चुप्पी अगर बनी रहे तो वो गहराई, वो दुश्मनी, वो और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। सेम ऐसा ही यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे हुआ। इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे करके अपनी क्या कहते हैं जो भी उनके साथ के लोग थे उनको धीरे धीरे करके खत्म कर रही थी। तो दैट इज वाई पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो था ना इंदिरा गांधी की सरकार के बीच में वो बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अगर 1969 में देखें आप तो इंदिरा गांधी जी ने एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कहीं ना कहीं झोल झपाटा कर दिया, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई, तो आप नोटिस करेंगे कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का एक छुपा हुआ मकसद था। और यहाँ पे टेंशन खड़ी हुई लाइफ में पहली बार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। अभी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, यू हैव लर्न दिस इन द 11th क्लास ऑल्सो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पार्लियामेंट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सारी पॉलिसीज को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, और यहाँ पे कुछ पावर जुडिशरी के हाथ में होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ जो होता है बना के जनता के सामने पेश करती है और उसके अकॉर्डिंग इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों ये इंसाफ के तराजू जो होते हैं दैट मीन्स न्यायपालिका जो होती है वो लोगों को इंसाफ देने के लिए जुडिशियल रिव्यू और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू है और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पावर किसकी ज्यादा है। तो 1971 के अंदर एक ऐसा दौर आया था जहां पे सरकार ने जुडिशरी को चैलेंज करने की पूरी तरीके से कोशिश करी, इवन जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। आपने जॉली एलएलबी का डायलॉग देखा होगा, अमीर हो या गरीब हो, दुखी हो या सुखी बंदा हो, ईमानदार हो या क्या कहते हैं कमीना हो, तो आप नोटिस करेंगे कि सारे के सारे लोग एक चीज पे भरोसा जरूर करते हैं, और एवरी पर्सन सैड लाइक दिस आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि हमें अपने न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हमें पता है कि सलमान खान से लेकर संजय दत्त को सबको बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे सुप्रीम ऑफ द लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सेम ऐसा ही यहां पे देखा गया कि 1971 के टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और लोगों के राइट्स के ऊपर कंट्रोल बनाया जा रहा है, जो आज तक कभी इवन टुडे गवर्नमेंट नेवर डिड दैट, मतलब आज भी नहीं करा, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने मतलब हाउ इज इट पॉसिबल पर किया था, तो हम वो भी देखेंगे। तो यहां पे फिर वही मोर पॉलिटिकल ओपोनेंट पार्टीज आ गई थी। पॉलिटिकल ओपोनेंट पार्टी समझते हैं क्यों, क्योंकि 1967 के अंदर तो वैसे भी क्या कहते हैं 1967 के अंदर तो वैसे भी इंदिरा गांधी जी ने कितनी पार्टियों की जला दी थी, और उसके बाद क्या कहते हैं 1967 के बाद अपनी ही पार्टी के अंदर बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो आपने देखा था कि ग्रैंड अलायंस हुआ था 1971 के इलेक्शन के अंदर भी, ग्रैंड अलायंस हुआ था, छोटी पार्टियां जो इंदिरा गांधी के सामने उभर नहीं पा रही थी अब उन्हें धीरे धीरे मौका मिल रहा था, तो उन लोगों ने भी अलायंस करा। तो ऐसे में कह सकता हूं कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट 1967। देखिए अब ना आप एक चीज जरूर समझेंगे, आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली समझेंगे, और आप देखेंगे कि हमारी समस्या जो होती है ना लाइफ के अंदर वो किसी एक प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, और उस एक प्रॉब्लम से जुड़ने के बाद सारी समस्या पैदा होती चली जाती है। ये तो आप मानते हैं, आप कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा, आपकी समस्या का जड़ सिर्फ और सिर्फ एक कोई रीजन होगा और उसके बाद सारी समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी। सेम इंदिरा गांधी की लाइफ में भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई 1967 के बाद जो उन्हें जीने नहीं दे पा रही थी, और वहां से ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होने लग गई कि धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम ने इतना ज्यादा डीप असर डाला उनकी लाइफ के अंदर, उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर, कि वो सोच नहीं सकते थे कि 1971 में इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद भी मेरे को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं आर्थिक संकट। अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो तो 1971 के अंदर इलेक्शन हुआ और 1972 के अंदर क्या हुआ, हमारा युद्ध हुआ। दिसंबर आप देख सकते हैं, देखिए डेटेड है 13 दिसंबर और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 71, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग क्या कहते हैं ये 1972 तक ही क्या कहते हैं जो हमने लास्ट में शिमला एग्रीमेंट करा था वो 1972 के अंदर करा था, लेकिन जो युद्ध हुआ था वो लगभग क्या कहते हैं दिसंबर के लास्ट में हुआ था, तो इसीलिए इसको 71 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, पर एग्जैक्टली डेट अगर आपने लिखनी है तो आप 71 ही लिखेंगे, ठीक है, पेपर के अंदर। तो इसमें आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि भाई 80 लाख लोग माइग्रेट होकर हमारी कंट्री के अंदर आ गए थे,
और आपको पता है हमारा वही फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम लोग तो दुश्मन को भी प्यार से गले लगाते हैं, आप तो खैर वो उस मुल्क के लोग हो जिनको हमने आज़ाद कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, तो भाई 80 लाख के अगर आप 8 करोड़ भी आते तो हम फिर भी आपका दिल से स्वागत करते। तो सेम ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, हुआ ये कि 80 लाख लोग इस युद्ध की वजह से बांग्लादेश से माइग्रेट हो गए, हमारे पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा आसाम, थोड़े से और जगहों पे चले गए। एंड वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। अब क्योंकि वो चले गए हमारे भारत देश के सीमाओं पे आ गए, तो भाई हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि बेटा निकलो जल्दी खाली करो ये जगह, हम नहीं बोल सकते उन्हें। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता था कि बेचारे अभी वो दर्द के मारे हैं, अभी उनको सहारे की जरूरत है, और जब किसी को सहारे की जरूरत होती है तो इंडिया सबसे पहले खड़ा होता है बॉस, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी सेम ऐसा हुआ कि 1971 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी को पता है भाई सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के अंदर पूरी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया और काफी लोग भारत के अंदर माइग्रेट होके आ गए। और हमने उस टाइम पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक आर्थिक बोझ झेला, क्योंकि 80 लाख लोग कम नहीं होते हैं। 80 लाख दिल्ली की खुद की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम पे 2 करोड़ है, और 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप सोचिए उस टाइम पे लगभग 80 लाख लोग, कहते हैं आंकड़े के हिसाब से क्या पता 1 करोड़ भी हो, इतने सारे लोग आए तो उनको रहने की जगह, खाने की जगह और रोकने की जगह, ये करने की जगह, वो करने की जगह सब चाहिए ना, तो इसका बोझ किसके ऊपर आएगा, इसका बोझ तो इंडिया के ऊपर आएगा। और अगर इंडिया के ऊपर इसका बोझ आएगा सो वी इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये कहीं ना कहीं छुपी हुई इकोनॉमिक क्राइसिस है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को इस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे इकोनॉमिक पढ़ते हैं उन्हें समझ में आता होगा। अब 1971 के बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो आपको पता है कि अमेरिका कितनी ज्यादा बुरी हो गई थी, बिकॉज वी हेल्प देम, और यहाँ पे अमेरिका किसकी मदद कर रहा था, पाकिस्तान की, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। इसलिए क्या हुआ, अमेरिका जो हमें मदद देता था ना, एक फाइनेंशियली मदद दिया करता था उस टाइम पीरियड के अंदर, तो उन्होंने फाइनेंशियली मदद देना हमें बंद कर दिया। आप सोचिए, मतलब एक को हमने बचाया, हमने अपना धर्म निभाया, जो हमारा धर्म हमें बोलता है कि किसी सताए हुए को अगर आप बचाते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, और भारत ने सेम ऐसे ही करा। लेकिन ये लोग जो लोग हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मदद करते होंगे 1-2 रुपए का, और उस टाइम पीरियड के अंदर इन लोगों ने हमें फाइनेंशियली मदद देनी बंद कर दी। तो सोचिए, इन्हें लगा कि शायद से इंडिया जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, शायद से क्या कहते हैं थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, लेकिन बॉस वी आर इंडियंस एंड वी नो दैट How to fight with this problem? हमें पता है कि ऐसे संकट से हमें कैसे झेलना है, कैसे समझना है, क्योंकि हम 1962 के युद्ध से निकल चुके हैं, 1965 के दर्द से निकल चुके हैं, समझ रहे हैं, और वैसे भी देश में इतना प्रॉब्लम चल रहा था, हम वैसे भी दर्द से निकल चुके हैं, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमें पैसे ना दे तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के उसमें ऐसा हुआ कि यार पहले फंडिंग मिलती थी इतनी अच्छी, लेकिन फिर फंडिंग मिलनी बंद हो गई, तो आप नोटिस करेंगे कि रिचर्ड निक्सन को लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट इन्हें पता नहीं कि हम चीज कहें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझ रहे ना, एक प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम जुड़ रही है, मतलब वहाँ पे युद्ध हुआ, इतने सारे लोग आ गए, दूसरे बंदों की खिलस गई, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ इफेक्ट हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइस जो था वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, है ना, प्राइस हाइक हो गया। अब ऑयल हाइक होगा तो आपको पता है कि दूसरे देशों को भी इफेक्ट करेगा और हमें भी इफेक्ट करेगा, और पता है इसकी प्रॉब्लम तो थी, बट आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मानसून का लेट हो जाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और 1972 से 3 के बीच में मानसून बहुत लेट हो गया था, क्रॉप फेलियर हो चुके थे, और जब मानसून फेलियर हो गया तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि भाई खाना सबके लिए जरूरी है, खाना तो सबके लिए जरूरी है, सो दैट इज यहाँ पे हुआ गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के काम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे तो वो सारे के सारे लोग इफेक्ट करेंगे अब इंडिया को भी, क्योंकि देखो प्रोडक्टिविटी अगर खत्म हो रही है ना, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे पेट ना भजन हो गोपाला, है ना, लेके रहो कंठी माला, ये आपने सुना होगा, कहने का मतलब सिंपल सा यार, जब जेब पेट भरा होता है तो इंसान वो मतलब हिमालय पर्वत फतेह करने के लिए तैयार होता है, जब पेट खाली रहता है तो कुछ नहीं कर सकता है। सेम ऐसा ही प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है, मानसून लेट हो चुका है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो चुका है, खाने की चीज़ें जो होगी वो महंगी होंगी, इंडस्ट्री जो उस पर बेस्ड होगी रॉ मटेरियल पे वो बुरी तरीके से इफेक्ट करेगी, और जिन लोगों को एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ा उनकी लाइफ इफेक्ट करेगी। और साथ में कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे इतना रायता फैला हुआ है, वहाँ बांग्लादेश के साथ अलग सीन है, उसके 80 लाख कैंडिडेट इतने सारे लोग हमारी कंट्री के अंदर घुस गए हैं, उनको भी खिलाना है, मतलब जितना बचा हुआ है उतना उसमें से भी उनको खिलाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना ऐसे करते 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 इतने टाइम से एक मिक्सचर बन रहा था, एक बम बन रहा था, और इसको कहीं ना कहीं फूटना था, और फूटने के लिए इसको मिला बिहार, फूटने के लिए इसको मिला गुजरात,
फूटने के लिए इसको मिला दिल्ली. ऑल दे आर द रीजन दैट इंदिरा गांधी जी हार गई. और इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लगा देती हैं. बट कैसे लगाती हैं वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा इसके अंदर. बट मैंने आपको बस समझा दिया है कि 1971 के बाद इंदिरा गांधी के जीतने के बाद भी सोचिए उन्होंने अपनी पावर का, अपनी सत्ता का एक ऐसा बेढंगे तरीके से इस्तेमाल करा कि जो आज तक किसी भी पीएम ने इस्तेमाल नहीं करा. सो दोस्तों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरी तरफ से. आई होप आपको चीजें रटनी ना पड़े. तो किताबें पढ़ के ऐसे कर लेना कोई मजा नहीं है बॉस. समझिए प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप लाइफ में कामयाब होंगे. क्योंकि सिंपल सी बात है, किताबी जो नॉलेज होती है ना वो आपसे रियल लाइफ में कहीं नहीं पूछी जाती है. पूछी सिर्फ जाती है आपसे कि आपको पता क्या है इसके बारे में, आप इस चीज को समझते कैसे. क्योंकि कभी आपने देखा 12वीं क्लास वाले बच्चे कभी अपनी डिग्री लेके पर्स में घूम रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है. वो कभी भी आपसे बात करते समय आप किसी लड़का लड़की से बात करें तो आप देखें आप कभी भी ये बोलेंगे नहीं कि 12वीं का अपना सर्टिफिकेट दिखा जब भी मैं तेरे से बात करूंगा. कुछ नहीं. इफ यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर आपको पता है चैप्टर में क्या है, देन यू विल विन द वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज द ओनली क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड दिस साइड विजय है. आपको चीजें पसंद आ रही है तो यार यू नो लाइक द वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में. जय हिंद जय भारत. आपको पता है कि एक समस्या से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं. तो याद रखिएगा यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या मॉनसून फेलियर था. और मॉनसून फेलियर होने के बाद पूरी तरीके से अब यहाँ पे सरकार की बैंड बज गई. अब सरकार की बैंड बज गई तो यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फूड प्रोडक्टिविटी गिरने की वजह से किसानों की लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में और साथ में जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग गया. और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे किसानों का, बहुत सारे व्यापारियों का, बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का बोनस या वेतन भत्ता रोक लिया गया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ कि बेरोजगारी का आलम इतने स्तर पे चला गया, गलियों में लोग पत्ते खेल रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, चोरी चकारियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह. मतलब समझ रहे हैं ना, जब किसी के पास कोई काम धंधा नहीं तो करेगा क्या इंसान. तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था. और सोचिए इंदिरा गांधी सरकार जी 1971 के अंदर इतनी अच्छी तरीके से, इतने अच्छे बहुमत के साथ जीत के आई. तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है. सो एट दिस टाइम अब इंदिरा गांधी की लाइफ में राहु और केतु एक साथ बैठ चुके थे और इंदिरा गांधी को एक एक करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. अब प्रॉब्लम में अब यहां से हमें समझ में आया कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक जो पिक्चर बन रहा था ना इन सारे प्रॉब्लम का, वो पूरी तरीके से उभर के सामने आया. दैट इज वाई गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलाने लगे लोग. अब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कौन चलाएगा? ऑफकोर्स अपोजिशन पार्टियां जो 1967 से इंदिरा गांधी से खिलस रही थी, उन सभी लोगों ने, अपोजिशन पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार को घेरना चालू कर दिया. और घेरना चालू कर दिया तो बहुत से स्टूडेंट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे. और इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट स्पेशली स्टूडेंट मूवमेंट्स, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार के खाट खड़े कर दिए कि 1971 में जो अपने आपको शेर नहीं बोलते थे और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने उनको हिला के रख दिया. तो उनकी लाइफ में ये बहुत खराब मूवमेंट था. मार्क्सिस्ट मूवमेंट हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्क्सवादी, कालवादी, जो क्या कहते हैं नक्सलवादी मूवमेंट चलाए गए थे, वो भी किस तरीके से इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ रहा था. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी. दैट इज वाई दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और मैं थोड़ा सा ब्रीफ केस आपको बता दिया, सॉरी ब्रीफ रिव्यू बता दिया. तो क्योंकि फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, दैट इज वाई कहानी स्टार्ट होती है आपके बिहार मूवमेंट से. बिहार मूवमेंट को हम नव निर्माण मूवमेंट के नाम से जानते हैं. नव निर्माण मूवमेंट दिसंबर 20, 1973 से 16 मार्च उसके बाद 1974 तक चला. ऐसा कहा जाता है कि अपने पीक पे ये जनवरी में था. ठीक है, तो आपको जनवरी याद रखना पड़ेगा 1974. ओके, क्या याद रखना पड़ेगा? जनवरी 1974 में बिहार मूवमेंट स्टार्ट हुआ. आप सभी को पता है ना कि बिहार के बच्चों की, जब बिहार के लोगों का जब बुद्धि खिसक जाता है ना, तो फिर तो वो कुछ भी करता है. अब ये बेचारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे? स्टूडेंट अपने खुद के आगे कहते हैं वहां पे हॉस्टल में पढ़ते थे. अब हॉस्टल पढ़ने वाला बच्चा महंगाई के ऊपर देखेगा तो सिंपल से बताए फीस क्या देगा, हॉस्टल का खाना क्या देगा, पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्च करेगा. फैमिली वैसे भी इतनी ज्यादा अमीर नहीं थी कि बेटा ले 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए मौज मार, लंबोरगिनी में घूम, रोज डेट मार या शाम को बियर पी आराम से, ऐसा सीन ही नहीं था. कहने का मतलब ये था कि स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है. अब यहाँ पे जब इंपैक्ट पड़ जाता है तो इन सभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट निकाला. दिस इज कॉल्ड नव निर्माण मूवमेंट, यानी कि नव निर्माण गुजरात मूवमेंट था. नव निर्माण मूवमेंट बोलते हैं कि गुजरात को दोबारा से खड़ा करा जाए. अब ये नव निर्माण मूवमेंट गुजरात के अंदर हुआ है. ठीक है, बिहार का अभी हम आगे पढ़ेंगे. बिहार के मूवमेंट का इंपैक्ट हम गुजरात मूवमेंट के बाद ही देख पाएंगे. मैं बिहार बोल रहा था, देर से वो बिहार नहीं था, गुजरात था. बिहार वाला मूवमेंट अभी आगे पढ़ेंगे.
अब यहाँ पे गुजरात मूवमेंट जो था वो आपके जनवरी 1973 से स्टार्ट हुआ। इसका मेन मकसद था इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करना, करप्शन को खत्म करना, और यहाँ की जो उस समय पे सरकार चल रही थी, चीफ मिनिस्टर की सरकार, वो पूरी तरीके से हटाना चाहते थे। कौन सी सरकार चल रही थी भाई? चल रही थी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार, और वहां पे ऑपोजिशन में थी जनसंघ। और गुजरात में कौन सी सरकार थी? चीमन भाई पटेल की सरकार। अब चीमन भाई पटेल की सरकार थी तो सिंपल सी बात है, महंगाई हो रही है गुजरात के अंदर, और देखिए स्टूडेंट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है ना, तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट की तो जरूरत होती है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत हुई। स्टूडेंट को सपोर्ट मिला, और स्टूडेंट को सपोर्ट मिला जनसंघ पार्टी का, कांग्रेस ओ पार्टी का, उसमें मोरारजी देसाई जी एक चेहरा बने। 1969 के अंदर मोरारजी देसाई जी कांग्रेस से निकल चुके थे, और उसके पीछे की कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। 1969 के अंदर मोरारजी देसाई जी को एक एडवांटेज मिला, उन्हें समझ में आया कि हाँ यार ये सही समय सरकार को घेरने का, सरकार को लपेटने का अपनी बातों में। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट करा, दंगे हुए, हंगर स्ट्राइक हुआ। इवन इस स्ट्राइक के अंदर खुद स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे सरकार सामान इतना महंगा कर रही है, जो सामान 100 रुपए का मिलता है वो सामान अब 130 रुपए का हो गया, भैया स्टूडेंट कहां से देगा, स्टूडेंट तो दे ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे सरकार ने कहा, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम आंदोलन में स्टूडेंट्स के साथ आएंगे, और यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार की, जो चीमन भाई पटेल की सरकार है गुजरात के अंदर, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस आर उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि 1971 में तो कांग्रेस आर ही तो जीती थी, तो वो कांग्रेस आर चल रही थी, और यहाँ पे अपोजिशन में कांग्रेस ओ थी, और साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं अखिल भारतीय जनता जनसंघ थी पार्टी। यहाँ पे अब पार्टी का कंपटीशन हो गया, जब पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो ये आंदोलन, ये मूवमेंट बहुत आगे चला जाता है, और जब आगे चला जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे के पूरे गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। पार्टी ने कहा कि भाई फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, और यहाँ पे मोरारजी देसाई ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया अपन तो स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे मैं तो पूरी तरीके से हंगर स्ट्राइक करूंगा, जब तक यहाँ पे चीमन भाई पटेल की सरकार नहीं गिरती है, फ्रेश इलेक्शन नहीं होता है, हम पूरी तरीके से धरने में बैठे रहेंगे, मैं आमरण अनशन पे चला जाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, जैसे हो जाती है ना लड़कियां नाराज हो जाती है, तो सेम इस टाइम पीरियड के अंदर सारे लोग नाराज हो गए सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, और यहाँ पे अब सरकार को समझ में आया कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, अगर अब नहीं किया तो कुछ नहीं करा। और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर ऐसा कहा गया कि यहाँ पे चीमन भाई पटेल की सरकार गिर गई थी। सोचिए 1977 के अंदर इलेक्शन हुआ था, वहां पे चीमन भाई पटेल की सरकार इसकी वजह से गिरी हुई थी, और यहाँ पे 1970 क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी डिफीट द इलेक्शन इन 1975 इलेक्शन, मतलब 1975 में सॉरी गुजरात में हुआ था इलेक्शन, और ये विधानसभा इलेक्शन थे, ठीक है ना, विधानसभा इलेक्शन के अंदर पूरी तरीके से गुजरात की विधानसभा के अंदर यहाँ पे चीमन भाई पटेल की सरकार गिर गई। दूसरा मूवमेंट बिहार मूवमेंट है, बिहार मूवमेंट के अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट का यही एलिगेशन था, यही सेम एलिगेशन, पहले नवनिर्माण मूवमेंट फिर बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट में कहा गया, ये मार्च में स्टार्ट हुआ क्योंकि इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब बिहार के लोगों ने कहा गया कि राइजिंग प्राइस हो रही है, फूड की स्कैरसिटी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो सरकार है, जो अब्दुल गफूर की सरकार है, यहाँ पे अब्दुल गफूर की सरकार बिहार के अंदर, अब्दुल गफूर की सरकार चल रही थी, और यहाँ पे क्योंकि गुजरात में तो मोरारजी देसाई जी साथ में आ गए थे स्टूडेंट के, तो इसलिए वो मूवमेंट कामयाब हो गया। ये बिहार मूवमेंट पहली बार ऐसा मूवमेंट चलाया गया मार्च के अंदर कि आप नोटिस करेंगे कि स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा मुद्दा इसे उठा दिया कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि ये अब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इफेक्ट होने वाला था। क्यों इफेक्ट होने वाला था? क्योंकि ये प्रोटेस्ट हुआ, उसका इसमें भी वही प्रोटेस्ट हुआ, राइट्स हुए, हंगर स्ट्राइक हुआ, सब कुछ हुआ, और इसकी वजह से, बिहार मूवमेंट की वजह से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अभी इमरजेंसी कैसे लगाई गई थी वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे जनता पार्टी पूरी तरीके से सिविल मूवमेंट में लोगों के साथ थी, नेशनल कांग्रेस के खिलाफ थे, और उसमें लीडिंग फिगर के अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण जी स्टूडेंट के साथ थे, इंदिरा गांधी जी और अब्दुल गफूर की सरकार उस समय पे रिजाइन देने से बिहार में मना कर रही थी कि यहाँ पे अब बिहार की गवर्नमेंट पूरी तरीके से लोग रोजगार नहीं दे पा रही है, चीजें महंगी हो रही है, तो स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट ही कर सकता है ना। और यहाँ पे उस टाइम पीरियड के अंदर जयप्रकाश नारायण जी बिहार के सीता बदियारा गांव में रह रहे थे, और जेपी इज द पर्सन जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में वहां पे साथ दिया था, और कभी भी राजनीति के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि पोस्ट नहीं चाहते थे गांधी की तरह कोई भी। और जेपी जी इज द पर्सन जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को बच्ची थी जब वो उनको गोद में खिलाया था। तो सोचिए यहाँ पे जेपी जी इतने सुप्रीम लीडर थे जो इंदिरा गांधी को ये कह रहे थे कि अगर कोई सरकार जनता के प्रति वफादार नहीं है, जनता के काम को नहीं कर पा रही है, तो उसको रिजाइन
साइन दे देना चाहिए। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है जिसमें बढ़ती कीमतों की वजह से, भोजन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो सरकार को रिजाइन दे देना चाहिए। सो दैट इज वाई जयप्रकाश नारायण जी इसमें आते हैं, क्योंकि कांग्रेस क्या बोल देती है कि हम रिजाइन नहीं देने वाले, आप कुछ भी कर लीजिए। दैट इज वाई यहाँ पे बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण जी पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट से एक ही प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तो तुम्हें ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से भारत तक सीमित नहीं रखना है, भारत के बाहर भी लेके जाना है। और जब आपको भारत के बाहर लेके जाना है, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि ये मूवमेंट पूरी तरीके से बढ़ता चला गया, भारत के बाहर, सॉरी बिहार के बाहर लेके जाना है। तो दिल्ली के अंदर तक जब प्रोटेस्ट पहुंचा और कहा गया कि संसद का घेराव करेंगे, सभी लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से संसद का घेराव करेंगे, और यहां पे पूरी तरीके से हम सरकार को बताएंगे कि सरकार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और यहां पे सरकार को बताया जाएगा कि जब वो जनता के प्रति वफादार नहीं होती है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती है। तो इसीलिए ये नेतृत्व पूरी तरीके से यहां पे कहा गया कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कि कांग्रेस सरकार जो बिहार के अंदर है वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए, और हमें एक ऐसा संपूर्ण क्रांति, कुल क्रांति लिखा हुआ है इसमें, संपूर्ण क्रांति का नारा देना होगा। कि क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का अगर हम नारा देंगे तो ही क्या कहते हैं सरकार हमारी बातों को सुन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल शेप टू एस्टैब्लिश अ ट्रू इकोनॉमिक, कहने का मतलब है कि असली लोकतंत्र वो होता है जो राजनीति को और अर्थव्यवस्था को दोबारा से अच्छी तरीके से ला सके। अगेन आई वॉन्ट टू से वन थिंग अबाउट दिस कि जयप्रकाश नारायण जी पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, बट जयप्रकाश नारायण पूरी तरीके से सत्ता में चल रही गड़बड़ियां, जो सरकार अपने आप को पावरफुल समझ रही है, वो उसके खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे। इसलिए वो संपूर्ण क्रांति ला के पूरी तरीके से राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को बदलना चाहते थे। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है, ये युवा व्यवस्था में मार्क्सवादी थे, कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और महासचिव बने थे। 1942 के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था, इवन नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया था। 1955 के बाद ये पूरी तरीके से राजनीति को छोड़ चुके थे, लेकिन 1955 के बाद जब इन्हें मौका मिला 1974 के अंदर दोबारा स्टूडेंट के साथ आने का, तो इन्होंने पूरी तरीके से क्या कहते हैं साथ दिया। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि इन्होंने कश्मीर के अंदर चंबल के जो डकैत थे ना, उनसे आत्मसमर्पण करवाया था। सोचिए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर करवाने वाले, काबू करवाने वाले व्यक्ति ये थे। तो सोचिए क्या चीज रहे होंगे। जब पता चला ना ओपोजिशन पार्टी को कि क्या कहते हैं आपके जेपीजी स्टूडेंट के साथ आ चुके हैं, और यहाँ पे फिर दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां जो इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से काटने को दौड़ रही थी, वो जेपीजी के साथ आ गई, और जेपीजी ने पूरी तरीके से कहा कि सरकार को पूरी तरीके से रिजाइन देना होगा, और अगर सरकार बिहार के अंदर रिजाइन नहीं देगी तो सिंपल सी बात है हम ऐसा नहीं चलने देंगे। इसीलिए जेपीजी तो अपने आप में ही एक बहुत बड़े लीडर थे, और यहाँ पे जेपीजी के साथ फिर रेलवेज आ गई, और रेलवेज के साथ नेशन वाइड स्ट्राइक हो गई, और जब ये सारी चीजें आने लग गई तो फाइनली लोगों ने डिसाइड करा कि भाई जेपीजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस क्रांति को बिहार को हटा के हम इसे पूरी तरीके से बिहार के बाहर भी लेके जाएंगे। तो जेपीजी ने 1975 के कहा कि सभी लोगों को पार्लियामेंट में आना है, हम उसका घेराव करेंगे, और यहाँ पूरी तरीके से जनता को समझाया जाएगा कि सरकार इस तरीके से अगर डिक्टेटरशिप हो जाती है तो सरकार को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने पूरी तरीके से इस रैली को दिल्ली की, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में लेके गए, और दिल्ली में फिर लाखों लोग जेपीजी को सुनने के लिए आया करते थे, और उनके सपोर्टर्स से भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, उसके बाद भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और भी छोटी मोटी पार्टियां थी, सभी ने सपोर्ट करा, क्योंकि जेपीजी इज अ नेशनल हीरो, वो एक लीडर है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, वैसे जेपीजी का रोल भी इतना ज्यादा अहम हुआ करता था उस टाइम पीरियड के अंदर। दैट इज वाई जेपीजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जेपीजी ने कहा कि भाई अब हमें करना होगा, एंड एक छोटी सी क्लिप है, अगर आप इसे सुन सकेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। लेट मी स्टार्ट दिस क्लिप, एक सेकेंड, वन सेकेंड। तो ये छोटी सी क्लिप है, आप इसे सुनिएगा, आपको समझ में आएगा जयप्रकाश नारायण जी। पहली पंक्ति के सेनानी और राजनेता थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1954 में उन्होंने बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की, और 1957 में उन्होंने लोक हित के पक्ष में राजनीति छोड़ने का फैसला किया। लेकिन 1960 के दशक में वो राजनीति में फिर से सक्रिय हो गए। जयप्रकाश नारायण के निधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। यही कारण है कि देश भर में संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी ने अपने फिर से भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया,
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जिसके समय तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब दिल्ली के लाल किला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार दी। उस वक्त राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो की चिंता काफी है। के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ा। सो ये छोटी सी क्लिप आपको समझाने के लिए किस तरीके से जो जेपी जी थे उन्होंने इस इफेक्ट इस चीज को लाने के लिए कितना कुछ करा था लीडर ने। और यहाँ पे फिर उसके साथ ऐसा कहा जाता है कि रेलवे भी हड़ताल पे चली गई थी। अब रेलवे जो हड़ताल पे चली गई थी, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पे उस समय पे जेपी जी का समर्थन कर रहे थे। और सोचिए इंदिरा गांधी जी की लाइफ में बिहार मूवमेंट, उसके बाद गुजरात मूवमेंट, फिर जेपी जी साथ में आ गए, उसके बाद फिर रेलवे हड़ताल पे चली गई। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में आई और दैट इज वाई बिहार मूवमेंट एक राष्ट्रवादी आंदोलन बन गया। और उसकी वजह से जो भी गैर कांग्रेसी दल थे पूरी तरीके से इंदिरा गांधी की आर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए या बंद करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो जेपी जी के बारे में भाई आपको समझ में आया होगा बेसिक बातें, इतना सा इस वीडियो। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी, मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। देखिए आज की डेट में तो बिल्कुल फिक्स है कि जुडिशरी का अपना काम है, पार्लियामेंट का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो उसके पीछे एक कारण था जुडिशियल, क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट था क्या? जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट ये था सिंपल शब्दों में कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एमिट कर सकते हैं या एडिट कर सकता है। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, समझ रहे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स वही जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स हमें दिए थे और इतने लंबे समय तक के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या उसमें उनकी विचारधाराओं के अंदर या उनकी चीजों के अंदर ऐड कर सकती है, सब्ट्रैक्ट कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है, डिवाइड कर सकती है इंदिरा गांधी की सरकार या नहीं कर सकती? सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में ये था। और यहां पे ये बताया जा रहा था कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी किसी अमेंडमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है या उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो फिर आप नोटिस करेंगे कि फंडामेंटल राइट नहीं बचा था और आज की डेट में कानूनी अधिकार बना हुआ है। तो अगर एक कानूनी अधिकार बना हुआ है तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अब सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाएगी कि अब इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे दो सबसे बड़े इशू थे, क्या फंडामेंटल राइट्स में बदलाव हो सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट में कोई इसमें कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा या उनके पास पावर है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है क्या। देखिए इसके बाद का प्रूफ मैं आपको आगे बताता हूं कि असल में सरकार ने कहा क्या और उसके बाद न्यायपालिका ने इस व्यवस्था को कैसे लिया। ओके कम टू द पॉइंट, यहां पे पार्लियामेंट ने कहा कि हम अमेंडमेंट करेंगे कि पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेइंग इट इज कैन बी अपराइट फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि सरकार ने इतना बोला कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम बदलाव इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज्यादा प्रभावित कर सके और ज्यादा सही तरीके से एग्जीक्यूशन में लाया जा सके। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आपके पास परमिशन नहीं है, यू कैन नॉट एबल टू डू दिस, कि आप फंडामेंटल राइट्स को बदले और चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप इफेक्टिव कर सके। बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार ने मना कर दिया था, सरकार को इस चीज की मना थी कि नहीं आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ बदलाव करें। अब इसकी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना करा, सुप्रीम कोर्ट समझते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है मुझे कमेंट करके बताइए, कितने सुप्रीम कोर्ट है चलिए बता दीजिए मुझे, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है और सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यू नीड टू आंसर दिस, कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि उस टाइम पीरियड के अंदर दो डेवलपमेंट हुए। नंबर वन डेवलपमेंट अगर हम देखें तो केशवानंद भारती केस सामने आया था। केशवानंद भारती केस संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड एक केस था। इस केस ने पूरी कहानी को उलट पुलट कर दिया। ये पूरी स्टोरी याद रखिएगा, पूरी की पूरी स्टोरी 1974 के जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे उससे पहले की कहानी है। अब यहाँ पे केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस याद रखिएगा, मतलब कोई आपसे मरते मरते पूछ लेगा कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो मरते मरते बता देना कि 1973 के अंदर हुआ था और केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के बीच में हुआ था। इसका मेन मकसद यही था बताने के लिए क्या सरकार के पास ऐसा कोई राइट्स है कि वो संपत्ति के अधिकार को हटा के फंडामेंटल राइट्स से कुछ कर सके, मतलब या फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो कुछ कर सकता है। सो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर एक केस बताया था, उड़ीसा वाला केस बताया था, अगर आपको याद हो पोस्को करके केस बताया था, केस स्टडी, क्योंकि कभी कभार हमें केस स्टडी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ता है। तो
इसमें एक केस स्टडी थी जिसमें केशवनाथ भारती केस एक ऐसा केस सरकार के सामने आया, सॉरी जुडिशरी के सामने आया, जिसमें पहली बार 13 जजों की बेंचेस बैठी और जिसका मेन काम था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर एक अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में या उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया फंडामेंटल राइट्स को केशवनाथ भारती के तहत। बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा, जो बच्चे इसको सुन रहे हैं ना वो इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप कहीं भी बैठे हैं बिल्कुल ढंग से बैठ जाइएगा, सुन लीजिएगा बातों को बहुत अच्छी तरीके से कि फंडामेंटल राइट्स में सिंपल सी बात बोली कि यार अंग्रेज लोग इतने टाइम तक हमारे को गुलाम बना के गए थे और फिर हमारी आज़ादी इतने सारे शहीदों के द्वारा हमें मिली, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बलिदान दिए और उसके बाद जाके तो हमने फंडामेंटल राइट्स तैयार करा। और फंडामेंटल राइट्स जब हमने तैयार करा तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चाहती है कि फंडामेंटल राइट्स को बदल दिया जाए या उसमें कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए, और जबकि रीज़न क्या दे रही है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ठीक करना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। केशवनाथ भारती केस के तहत एक बात बिल्कुल फैक्ट हो चुकी थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स की जो मेन अवधारणा है, मेन मूल मंत्र है, मतलब कहते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार में जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार है, 19 आर्टिकल है ना स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 6 टाइप के अधिकार, तो उसकी जो फंडामेंटल राइट्स की मेन अवधारणा है ना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 7 कमेटियों के साथ मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत बनाया था और इतना लंबा समय लिया था बनाने के लिए, तो केशवनाथ भारती के तहत बिल्कुल ये फिक्स हो चुका था कि सरकार फंडामेंटल राइट्स को एक इंच भी नहीं बदल सकती, उसकी विचारधारा को नहीं बदल सकती है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव या ऐड कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास क्या कहते हैं 21 था, अब फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 21 था लेकिन फंडामेंटल राइट 21A बन गया। होता है ना कभी कभार, क्या होता है आपके पास किताब होती है, कोई पेज है वो गलत हो गया है तो उसको अमेंडमेंट करके उस पेज के साथ में एक पेज लगा दिया, तो ऐसे हमने शिक्षा का अधिकार लगा दिया, हमने शिक्षा का अधिकार शिक्षा 21.A लगा दिया हमने और उसका मतलब शिक्षा का अधिकार हो गया। तो शिक्षा का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार होना चाहिए ना 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। फिर उसकी वजह से हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी बढ़ा दी, पहले 10 थी अब 11 हो गई। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि यहाँ पे केशवनाथ भारती के तहत के केस के तहत ये बिल्कुल फिक्स हो चुका था कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी मूल बदलाव नहीं हो सकता, सरकार को अगर कुछ ऐड करना है तो वो ऐड कर सकती है पर उसकी मूल अवधारणा को बदल नहीं सकती। सो आई होप यू क्लियर दिस, और इतना मैंने आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना नहीं है, बाकी आप कुछ भी करिए। तो 13 जजों की बेंचेस थी, यू नीड टू राइट ऑल द नेम, और ये केशवनाथ भारती केस ये महंत हैं उनके द्वारा ये हुआ था केरल के, और ये नाम अब याद करने की जरूरत नहीं है आपने, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक चीज जो इंदिरा गांधी को बार बार सता रही थी, और फिर से मतलब इतनी पावर में होने के बाद भी एक होता है ना राजा जो अपनी पावर में सत्ता में होता है, अगर आपको उसका घमंड तोड़ना है ना तो उसके काम करने से मना कर दो। राजा बोलता है ना यार 5 गिलास पानी लेके आ जा, तो उसका नौकर कहता है मैं नहीं लेके आ रहा भाई, जाओ तुम खुद ले आओ। तो यहाँ पे राजा को घमंड आ जाता है कि मतलब मैं इतना बड़ा राजा और ये मेरी बात को मना कर रहा है। तो यहाँ पे मना करने का मतलब पता है क्या है, मना करने का मतलब ये कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और जब कोई शक्ति में और पावर में कोई बंदा होता है ना और जब ऐसी बात किसी के सामने आप कर दे तो वो बंदा इतना अंदर से हर्ट हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे इंदिरा गांधी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी जो 1971 के इलेक्शन में इतनी बड़ी पावरफुल नेता बनी हुई है और उनके सामने उनको हर जगह से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। 1973 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने से नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। अब यहाँ पे अब उन्होंने एक और गेम खेला, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि पूरी जुडिशरी को ही पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से चुने जाते हैं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ई पाठशाला चैनल जो आपको बिल्कुल रियलिटी से कनेक्ट करके बताने की कोशिश करता है और प्रेजेंट फैक्ट से भी लेके चलता है और पास्ट में जो चल रहा है वो भी, क्योंकि असली पढ़ाई का मतलब तो यही होता है ना, रट के क्या करोगे, सब कुछ यही रहना है, जब तक याद रहेगा 12वीं पढ़ रहे फिर निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली समझोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब यहाँ पे सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि 1973 के अंदर अब ये केस जब सामने आया सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल फिक्स हो गया कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो 1973 के अंदर ही ये कांड कर दिया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। 3 जजों के अपॉइंटमेंट होने थे, मतलब पहले ये आने थे फिर ये आने थे फिर ये आने थे, मतलब सीनियरिटी के हिसाब से आता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है चुना जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट, इंडिया के अंदर पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है और उनका भी फिक्स हो चुका है। तो सोचिए उनका फिक्स हो चुका है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। चलिए ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो इंडिया की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है वो कौन होंगी, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है। यूपीएससी के पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के पेपर के लिए कि वो कौन हो सकती है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, देश के अंदर काले पन्नों में ये चीज दर्ज हो गई कि यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने तीन जजों को नजरअंदाज करते हुए चौथे जज की अपॉइंटमेंट करवा दी और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा को ही बदल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि ए एन रे को 14th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया 26 अप्रैल 1973 से लेके 1977 28 जनवरी तक। अब सोचिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति थे ये 14th बनाए गए थे और उससे पहले जो तीन जज थे ना उन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। पहली बार सरकार, सोचिए अब यहाँ पे जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी तो सॉरी कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स तो पहले से ही थे, क्योंकि जितने भी आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर होते हैं वो सारे के सारे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर ये सारे सरकार के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं, नीतियां बनाने के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए मदद करते हैं ना ये लोग। सेम ऐसा ही यहाँ पे अगर कोई बंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से करवाएगा तो यहाँ पे कमिटेड जुडिशियरी भी हो जाएगी जो बिल्कुल गलत होगा। मतलब जुडिशरी अगर सरकार के तलवे चाटने लग जाएगी तो सोचिए लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलेगा। हर कोई बंदा बोलता है ना बेटा आई विल सी यू इन द कोर्ट टू यू, और मिलते हैं जज के सामने, जज ही सारा फैसला सुनाया, वो भी धरती पर भगवान तो उतर के आने वाले नहीं है। अब जो जज जजमेंट सुनाते हैं उसी के जजमेंट के हिसाब से फकीर हो सलमान खान हो या संजय दत्त हो सभी को मानना पड़ता है, तो सेम ऐसा ही हमें भी मानना पड़ेगा। और पहली बार इतिहास के अंदर ए एन रे को पहली बार 1973 के अंदर तीन जजों की नजरअंदाजी के बाद चौथे जज को चुन लिया गया, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो सकती है ये कि यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, बहुत लंबा खेल खेला जा रहा है। और यहाँ पे 1973 के अंदर जो मैंने ए एन रे के उसके बारे में आपको बताया था, जेपी जी के बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, उन्होंने कहा जब सरकार अगर जुडिशरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाने लग जाएगी जिस दिन से, तो लोगों को न्याय जैसी विचारधाराओं के ऊपर उनका विश्वास उठ जाएगा, और जब लोगों का इनसे विश्वास उठ जाएगा तो भाई इंसाफ तो रहेगा ही नहीं, इंसाफ नहीं रहेगा। दैट इज वाई लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ने लग गए, दौड़ने क्वेश्चंस ये लग गए कि अब भैया क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन लोगों के मन में आया कि अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुई है, प्राइम मिनिस्टर जी ने पीपल क्या कहते हैं जुडिशरी को कमिटेड जुडिशरी बनाने की कोशिश करी है, मतलब जुडिशरी को आप कमिटेड जुडिशरी नहीं बना सकते। अगर ऐसे अपॉइंटमेंट होने लग जाएगी तो रूलिंग पार्टी जो चल रही है उसके हक में ही हमेशा जुडिशरी फैसला सुनाएगी, मतलब उसको कोई भी एमपी एमएलए कांड करके आएगा तो वहां पे इंदिरा गांधी जी फोन घुमाएगी, अपना बंदा भैया छोड़ दो इसे। अब सोचिए क्या हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं था, और फिर जेपी जी ने बहुत सारे एमएलए को एमपीज को खत लिखे, और खत इसलिए लिखा कि जब सरकार निरंकुश हो जाएगी बाबा तो समझ लीजिए आप कि यहाँ पे फिर यहाँ पे उल्टी गिनती चालू हो गई। अब यहाँ पे उल्टी गिनती चालू होती है यहाँ से, अब देखिए अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी से पहले अगर आप देखें तो गुजरात मूवमेंट आपको पता है 1974 मार्च में सॉरी जनवरी में, फिर बिहार मूवमेंट 1974, उसके बाद रेलवे स्ट्राइक पे 1974 ये होता रहा, उसके बाद 12 जून 1975 में उसी टाइम पीरियड के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो केस दायर हुआ था वो सामने आ गया, और ये बोला गया कि जो मैडम प्राइम मिनिस्टर जी ने 71 के अंदर जो इलेक्शन लड़ा था वो बिल्कुल गैर संवैधानिक था। यहाँ पे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा दैट पर्सन, शक्ल देख लीजिए इनकी, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि पीएम कोर्ट के अंदर जाए लेकिन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको कोर्ट तक घसीट लिया था। तो सोचिए ये वो व्यक्ति थे उस टाइम पीरियड पर, आज तक किसी पीएम को देखा कोर्ट में जाते हुए, आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने उनको कोर्ट में घसीट लिया। अब सोचिए यहाँ से पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे क्या लेवल की राजनीति रही होगी, किस लेवल के मतलब ऑफिसर्स रहे होते होंगे जो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे अभी आपको बता दूं मैं कि इंदिरा गांधी जी जो 1973 के अंदर गलत तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कर रही है, वहीं पे 1975 पे हाई कोर्ट के बंदे ने सोच रहे हाई कोर्ट के बंदे ने उनको वहां पे बुला लिया, कहां पे बुला लिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम, सबसे मतलब अगर किसी को लॉयर बनना है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं किसी को लॉयर बनना है तो याद रखिएगा आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी जरूर होगी, वहां पे प्रैक्टिस नहीं करी तो आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जी आपने जो 1971 के इलेक्शन लड़े थे उसमें आपने गलतियां क्या करी थी, जगमोहन राज नारायण जी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ उस टाइम पीरियड पे कहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये इलेक्शन लड़ रहे थे क्या कहते हैं 71 में इंदिरा गांधी के अपोजिट में, और इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने क्या चैलेंज कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने चैलेंज कर दिया कि 1971 में इंदिरा गांधी ने सरकारी गाड़ियों का, सरकारी दफ्तर का, सरकारी ऑफिसर्स का, सरकारी मशीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करा था, और ये चीज प्रूफ हो गई थी और इसका रिजल्ट 12 जून को आ चुका था। 12 जून में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जी अब आपका ये प्रूफ हो चुका है, और अगर 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, अगर 6 महीने
महीने के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो आप एमपी नहीं बनी रह सकती हैं। मतलब 6 महीने, मतलब कब, 12 जून 1975 के दिन ये फैसला आया, और उसके बाद 12 जून 1975 में जब ये फैसला आया तो सिक्स मंथ तक आप अगर इलेक्शन नहीं कराती हैं तो आप पीएम नहीं बनी रहेंगी, मतलब एमपी नहीं बनी रहेंगी तो पीएम भी नहीं बनी रहेंगी। यहाँ से उनका सरदर्द और फट गया, मतलब ये क्या हो गया, अगला ये क्या हुआ। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करूँ। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि इंदिरा गांधी जी के पास एक पावर थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उठा के इस फैसले को उठा के क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला था, इसको उठा के वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। क्योंकि अपील ज्यूरिडिक्शन होता है ना, अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, हाँ क्या कहते हैं जोनल में तो डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा तो हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना तो उस टाइम पे वो अंतिम फैसला होता है। अब यहाँ पे क्या अंतिम फैसला हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको पता है कौन थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एएन रे थे। उन्होंने ये कह दिया मैडम प्राइम मिनिस्टर को कि आप जून 74 75 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप जो है ना आप क्या कहते हैं एमपी बनी रह सकती हैं, बट आप किसी भी पार्लियामेंट्री उसमें नहीं जा सकते, मतलब जो होता है ना संसद के अंदर मीटिंग होती है, सेशन होते हैं, आप उसमें नहीं जा सकते। मतलब आप पीएम हैं, आप एमपी हैं, लेकिन आप संसद में नहीं जा सकते। अब सोचिए यहाँ पे ये फैसला आ गया, एटलीस्ट वो एमपी तो है ना। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, क्योंकि एएन रे को गलत तरीके से अपॉइंट करवाया था, तो रिलैक्स मिलेगा ही मिलेगा, कहीं तो फायदा होगा। अब यहाँ पे जाके कहानी बिगड़ती है। 70 जून 24 के दिन जिस दिन क्या कहते हैं ये फैसला सुनाने में आता है, तो वही बिहार मूवमेंट बैकग्राउंड में चल रहा था, याद करिए। और जेपी जी ने कहा था दिल्ली के अंदर आएंगे, संसद को घेरेंगे, रामलला मैदान में आएंगे, पार्टी करेंगे, और वहाँ पे सभी लोगों को बताएंगे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इंदिरा गांधी जी सरकार जो है वो बिल्कुल निरंकुश है, निरंकारी है। और यहाँ पे 25 जून के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा, आपको पता है मैंने बताया था लाखों लोग क्या कहते हैं आने वाले थे, 24 जून के वो फैसला आ चुका था कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है मतलब वो एमपी बनी रह सकती है पर पार्लियामेंट में नहीं बैठेगी। और 25 जून के दिन उसी दिन क्या कहते हैं अगले दिन ही बहुत सारे सपोर्टर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे जेपी जी के साथ आए थे। लेकिन क्या हुआ 25 जून के दिन रामलीला मैदान के अंदर कुछ हो ही नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि 25 जून के दिन एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता को भड़का रहा है और यहाँ पे जनता को भड़का रहा है, जनता भड़क रही है। और वो लोगों से क्या कह रहा है जयप्रकाश नारायण, वो कह रहा है कि इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा दिलाइए, पुलिस बात नहीं मानेगी सरकार की, कोई काम पे मत जाइए, कोई अगर आपको अनैतिक काम लगता है सरकार के खिलाफ तो आप छोड़ दीजिए, काम करना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इस कोर्ट को गलत ठहराया, इस कोर्ट का मिस इस्तेमाल करा। जेपी जी ने वो सारी बातें बोली जो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड हो रही थी, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे हो रही थी। और यहाँ पे जेपी जी ने दोबारा से क्या कहते हैं बोला ये चीज कि भाई आपको सत्ता पे नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि जब जनता के खिलाफ आप चली जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने इस कोर्ट का गलत इस्तेमाल करा और उन्होंने कहा कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हमें इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, राष्ट्रपति की मदद ली, आर्टिकल नंबर 352 के तहत पूरे देश के अंदर 25 तारीख के दिन उन्होंने मतलब डिक्लेयर तो 26 तारीख के दिन करा, और पेपर में 26 तारीख को ही लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन 25 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली थी, दैट इज वाई इसको तुरंत ही वहां रोका गया। और फिर वहां पे जेपी जी की गिरफ्तारी करी गई, नेशन बेस पे पूरे भारत में लाखों लोगों को गिरफ्तार करा गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी क्योंकि पार्लियामेंट में तो नहीं बैठ सकती है, इसलिए पीएम ने रिकमेंडेशन दी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी भाई उनके ही खास थे, फारुकुद्दीन अली अहमद, ये उन्हीं के पहले क्या कहते हैं कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उन्हीं के थे। और उन्होंने से बोला कि भाई आप क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाइए, क्योंकि देश के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, सरकार के पास समय नहीं होता, कभी कुछ होता रहता है कभी कुछ होता रहता है, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और रातों रात 25 जून की रात को ही क्या कहते हैं सभी दफ्तरों की अखबार की लाइट वाइट काट दी, बड़ी संख्या के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स और वर्कर्स को रातों रात उठवा लिया गया। एंड देन फाइनली 26 जून के दिन पूरी तरीके से मॉर्निंग में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, सुबह 6 बजे बुलाई, और कहा कि मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिए, बस मैं AIFM के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जाके बताने वाली हूं कि पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई जा रही है। अब पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लगी। अभी इमरजेंसी जो है उनकी एक स्पीच सुनिएगा, वो स्पीच में आपको सुनाता हूं, स्पीच में इमरजेंसी में उन्होंने क्या कहा। तो ये जो छोटी सी क्लिप है आप इसे देखिएगा, आप समझिएगा कि उस टाइम पीरियड पे जो 25 जून को चीजें हुई थी ना वो क्या हुई थी और 26 तारीख को क्या हुआ। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया गया, देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आजादी के बाद एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी थी इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से। भाई सर, आप बोले हैं
दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली चली गई। इसी इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे, अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस थी, अखबारों की प्रिंटिंग रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। इसका कारण खुद इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश में बताया। कई अखबार गलत खबरें जिससे लोग भड़के या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। चारों तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो रही थी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेबी को गांधी नीज फाउंडेशन से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस थाने में काफी कंफ्यूजन था इस बात को लेकर के, आखिर उनके साथ करना क्या है, उनको ले जाना कहाँ है, क्योंकि इस बारे में शायद कोई बहुत पक्की योजना नहीं बनी थी। लेकिन साथ में पुलिस को यह डर था कि उजाला जैसे ही फैलेगा और अगर जयप्रकाश पुलिस थाने में रहे तो फिर उनको यहाँ से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से निर्णय करके उनको गाड़ी में बिठाया और दिल्ली के हरियाणा के बॉर्डर पर सोहना गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। आखिरकार जयप्रकाश नारायण पे हिंदुस्तानी दंड संहिता इंडियन पीनल कोड सेक्शन 107 लगा है। सेक्शन 107 जयप्रकाश नारायण, ये सेक्शन तो सड़क पे आवारा घूमने वालों पर लगाया जाता है। 24:06 कैबिनेट की मीटिंग हुई। इमरजेंसी लगा दी गई। कैबिनेट ने मिनटों में बिना बहस के भारत के भविष्य को इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दिया और फिर देश को इसके बारे में बताया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम इमरजेंसी, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। 25 जून के कुछ बाद तक सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। ट्रेन समय पर चलने लगी, सरकारी दफ्तरों। सो यही था इस क्लास के अंदर, और हम अगली क्लास में ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जब इमरजेंसी लग गई थी और पूरे टाइम तक 21 महीने तक ये इमरजेंसी लगी रही, और उसके बाद फाइनली जब इमरजेंसी ख़त्म होती है तो इमरजेंसी से हमें सीखने को क्या मिलता है। क्लास 12 के बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है कि इमरजेंसी किसी देश के द्वारा, अगर किसी पीएम के द्वारा लगाई जा रही है तो उसमें कैसे अधिकार होने चाहिए, क्या चीज़ें सरकार के पास होनी चाहिए, जनता को क्या राइट्स मिलने चाहिए, या जनता को क्या चीज़ें हटा देनी चाहिए, या जनता को उस समय प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। और एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश में छोटी मोटी इमरजेंसी कोरोना काल की वजह से लगी भी है, तो सोचिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी होती है। तो वीडियो के अगले जैसा कि मैंने बताया कि इमरजेंसी जो था वो था क्या, तो इमरजेंसी के बारे में आपने पहले देख लिया था कि देश में इमरजेंसी लगाने का कारण सरकार के पास एक पुख्ता सही रीजन बन नहीं पा रहा था। सो दैट इज वाई जेपीजी एक रीजन बने थे, और जेपीजी एक रीजन बने तो सरकार के पास एक अच्छा रीजन आ गया, और दैट इज वाई यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाए इमरजेंसी के, जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 के अंदर, तो कॉन्सिक्वेंसेज में आपने वीडियो में भी देख लिया होगा कि 1975 में इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद जो परिणाम निकल के आए सरकार के लिए या जनता के सामने, वो बहुत सारे नेगेटिव निकल के आए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत सारी अपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया, इवन जेपी जी को भी जेल में बंद रखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इनको जेल में रखेंगे तो भाई पूरा का पूरा जो जेल है, जेल प्रशासन अधिकारी, वो सत्ते में आ जाएंगे कि यार इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा व्यक्ति जेल में कैसे बंद है। तो आंदोलनकर्ता सिंपल सी बातें सामने आएंगे और फिर बहुत तगड़ा बवाल हो जाएगा। और इसी वजह से आप देखोगे कि बहुत सारी स्ट्राइक्स जो सरकार के खिलाफ 1975 से पहले हो रही थी, जैसे कि बिहार मूवमेंट था, रेलवे हड़ताल पे जाना, गुजरात मूवमेंट था, उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ खुद कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से उनके खिलाफ एक्शन आ जाना, उसकी वजह से भी देश में बहुत सारे छोटे छुटपुट छुटपुट मैं कह सकता हूँ स्ट्राइक चल रही थी। तो उन पूरी स्ट्राइक्स पे पूरी तरीके से सरकार ने बैन लगा दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्रेस सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप का मतलब यही हो गया कि अब सरकार जो अखबार में चाहेगी, मैगजीन में चाहेगी, न्यूज़पेपर में चाहेगी, सिर्फ वही छपा और दिखाया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से प्रेस सेंसरशिप थी जो कभी अंग्रेजों के टाइम पे लगी थी, और अब जाके सोचिए कि इंदिरा गांधी की सरकार में लगाया गया अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। सोचिए आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने कभी प्रेस सेंसरशिप लगाई होगी तो लगाई होगी, अदरवाइज उससे पहले कभी प्रेस सेंसरशिप लगी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर प्रेस सेंसरशिप भी लगा दी गई। तो इससे ही अपने आप में ये दिखाई देता है कि सरकार कितनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप हो गई है जो 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद लोगों के सामने आई।
उसके बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जन्म ली जिन्होंने हिंदुओं को और मुस्लिमों को बचाने के लिए, उनके अधिकारों के लड़ने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाएं बनाई। जैसे कि आरएसएस है, आपने आरएसएस के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। ये पूरी तरीके से आज की डेट में फॉर्म हुई पड़ी है। आरएसएस के बारे में तो खैर सभी जानते होंगे। और उसके बाद जमात इस्लामी करके एक और संघ बनाया गया था, जो स्पेशली क्या कहते हैं मॉमडन्स लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए ग्रुप बनाए गए थे। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे, 12th क्लास में इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस लिख देना पेपर के अंदर, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, सो आई थिंक दैट आपको इसके ऊपर केस स्टडी भी पढ़नी चाहिए। केस स्टडी भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन एक बात का तो बिल्कुल फैक्ट था कि जिस समय 26 जून 1975 के दिन एमरजेंसी लगाई गई और 21 मार्च 1977 के दिन एमरजेंसी हटा दी गई। तो जब हटाई गई तो लगभग 21 महीने की भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1968 में भी लगाया गया था, 1971 के अंदर भी लगाया गया था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये इमरजेंसी ऐसी थी जिसमें लोगों को जबरन जेल के अंदर डाला जा रहा था, जो बिल्कुल गलत तरीके से सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किया, जो सरकार को कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 21, जो कभी भी आर्टिकल नंबर 21 कौन सा है फंडामेंटल राइट्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल नंबर 21, इंसान से जीने का अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता है। सोचिए जिस देश में अगर आप ठहर रहे हैं, आपसे जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो ये धरती, ये दुनिया, ये आकाश, ये पाताल किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब तक आपके दिल में, आपके शरीर में जान है तो जब तक जहान है ना, जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। तो सेम यहाँ पे ही 1975 के अंदर आर्टिकल नंबर 21 यानी कि आपसे कोर्ट में जाने का अधिकार भी आपसे छीन लिया गया था, जो बिल्कुल गलत था। इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, क्योंकि अगर आप देखें 1971 के अंदर इलेक्शन हुआ था, अगला इलेक्शन 1976 में जाके ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि इमरजेंसी खींच गया तो 1977 के बाद जनवरी में जाके इलेक्शन होता है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता था, वहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है जो उस टाइम पीरियड पे इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 के इलेक्शन में हुआ था। उसके बाद देखिए पुनिटिटिव डिटेंशन होता है। पुनिटिटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी बंदा निवारक नज़रबंदी के तहत शक के विहाप पे किसी को भी सरकार उस समय पे कैप्चर कर सकती थी। अगर उसको लगता था कि सरकार के खिलाफ कोई स्ट्राइक कर रहा है, सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि कोई एंटी नेशन हो चुका है, एट प्रेजेंट टाइम पे तो यही चल रहा है, कोई एंटी नेशन हो चुका है, तो इट मीन्स वो एंटी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से उनको जेल में बंद करवा देंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि लाखों लाखों लोगों को ऐसे ही जेल में बंद करवा दिया गया, जो बहुत ही गंदा परिणाम निकल के आता है। अब यहाँ पे आपातकाल के विरोध क्या सामने आए लोगों को, विरोध ये आए कि बहुत सारे मेनी नॉन अरेस्ट लीडर वेंट अंडरग्राउंड ऑन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करा कि सरकार पूरी तरीके से निकम्मी और नकारा हो चुकी है, जिसमें वो सिर्फ अपनी शक्ति का मिसयूज कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर जो थे, जो सरकार की मैं कह सकता हूँ खामियों की वजह से बहुत नाराज थे, और वो अंडरग्राउंड हो गए, जो अरेस्ट नहीं हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में भी ऐसी फोटोज वायरल है, हालांकि इस पर मुझे पुख्ता सबूत तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहता है जो मोदी आज के देश के पीएम बने हुए वो भी अंडरग्राउंड थे उस टाइम पीरियड पर, सरदार बन के वो घूम रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को क्या कहते हैं अपने आप को भेष बदला, सिख के भेष में गए, कोई किसी भेष में गए, अंडरग्राउंड हो गए ताकि सरकार को पता ही ना चले कि वो कौन है। और जब ये अंडरग्राउंड हो गए तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं इन लोगों ने पूरी तरीके से ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी जनता को याद दिला सके कि देखो सरकार कितना गलत काम कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रेस थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलने से अच्छा था कि जो अखबार का पहला पेज था या तो पूरा ब्लैक होता था या पूरा ब्लैंक होता था। तो इससे सरकार के खिलाफ जनता, इवन प्रेस ने भी अपना प्रोटेस्ट दिखाया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ छाप तो सकते नहीं थे क्योंकि प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था, तो एक ही रीजन था। उसके बाद कहा जाता है कि बहुत सारी मैगजीन्स बंद हो गई थी, और जब बहुत सारी मैगजीन्स बंद हो गई थी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मैगजीन बंद होने की वजह से जो मेन पत्रकारिता थे ना, वो भी अंडरग्राउंड हो चुके थे, और वो सीक्रेटली लिखा करते थे सरकार के खिलाफ कि सरकार ऐसा गलत काम कर रही है, सरकार ऐसा गलत काम कर रही है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने अवार्ड्स रिटर्न करने चालू कर दिए, समझते ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जैसे बड़े बड़े जो अवार्ड्स मिलते थे ना बहुत सारे लेजेंड्स लोगों को, उन लोगों ने अपने अवार्ड्स रिटर्न करने चालू कर दिए कि हमें ऐसे अवार्ड्स की जरूरत नहीं है जहाँ पे इंसान को जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए और आप हमें कहते हैं कि हम भारत रत्न है वगैरह वगैरह है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपने पूरी तरीके से अवार्ड्स भी रिटर्न करने चालू कर दिए। तो इमरजेंसी नेसेसरी क्यों थी वो हमें समझना जरूरी है। क्या इमरजेंसी लगाना जरूरी था?
तो इंदिरा गांधी की सरकार तो बोलती थी कि इमरजेंसी लगाना जरूरी है क्योंकि सिंपल सी बात है इमरजेंसी नहीं लगती, तो शायद से इंदिरा गांधी जी आज जेल में होती या सिचुएशन कुछ और ही आउट ऑफ कंट्रोल होती। लेकिन इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स क्या कहना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ये कहना चाह रहे थे कि लगातार सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगना या लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना सरकार के कामकाज में बाधा डालने जैसा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज चैलेंज, मतलब सरकार 1971 के अंदर आई और लगातार सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे प्रोटेस्ट होता ही जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, इससे इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो अपने काम पे फोकस ना करते हुए गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू गिव मोर अटेंशन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। देखिए ये मतलब ये सरकार का कहना था कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए अपना जो कामकाज सरकार को करना चाहिए था सरकार वो कामकाज नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से उन्होंने क्या करा, इसी वजह से उन्होंने आपातकाल लगा दिया। उन्होंने कहा कि वेलफेयर प्रोग्राम जो थे वो डिलेड हो रहे थे, बहुत डिले हो रहे थे। मतलब अब मान लीजिए कि मोदी की गवर्नमेंट 2014 के अंदर आती है, मोदी की गवर्नमेंट को लगातार हर साल कुछ ना कुछ सामना करना पड़ता है, तो क्या मोदी को क्या आपातकाल इमरजेंसी घोषणा कर देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सरकार है तो सरकार को क्रिटिसाइज तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन क्रिटिसाइज को झेलने की बजाय उस पर एक लीपा पोती करके इमरजेंसी लगा देना वो कहां तक गवारा है, वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे उन सभी लोगों ने ऐसे ऐसे रीजन दिए जो बिल्कुल बेतुके थे, जो प्रूफ नहीं हो रहे थे। इवन सीपीआई क्या बिलीव करती थी, सीपीआई जो उनके साथ कम उसमें आई थी, किसमें आई थी, गठबंधन में 1971 में उन्होंने उनके साथ गठबंधन करा था, तो गठबंधन जिन्होंने करा था तो सीपीआई गवर्नमेंट कहती थी कि तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है देश की अखंडता को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता को तोड़ने के लिए कॉन्स्पिरेसी है, इसमें मिडिल क्लास लोग जो है पूरी तरीके से सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आ रखे हैं, और इसी वजह से पार्टी जो है इमरजेंसी को सपोर्ट कर रही है। मतलब कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि ये जो सीपीआई पार्टी है वो इमरजेंसी को सपोर्ट कर रही है कि हाँ इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से अगर देश टूट जाएगा तो देश में आतंकवाद, सिविल वॉर ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा जकड़ जाएगी और बहुत बड़ा रूप ले लेगी। तो सीपीआई गवर्नमेंट का ये बिलीव था, और उसके बाद कांग्रेस सरकार के जो सपोर्टर्स थे उनका वो बिलीव था। देख रहे मतलब इसी वजह से देश के अंदर ऐसा कहा जाता है कि काला कानून पास करा गया। और यहां पे इमरजेंसी में क्या हुआ, इमरजेंसी में हुआ यही कि गवर्नमेंट कहती है कि इमरजेंसी के अंदर हमें लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सही तरीके से दोबारा से रिटेन करना है, दोबारा से लाना है, हमें सरकार की एफिशिएंसी को और अच्छा बनाना है, और उसके बाद हमें करना यह है कि हमें जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था ना अब उसको हम 20 पॉइंट प्रोग्राम कर देंगे और जनता के वेलफेयर के बारे में हम और अच्छा सोचेंगे, ताकि जो 1971 के बाद हम सोच रहे थे करने की अगर हम उस पर काम नहीं कर पा रहे, यानी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, तो वो इमरजेंसी लगने के बाद पूरी तरीके से इस काम को अंजाम दे पाएगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने ये रीजन दे दिया, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने ये रीजन दे दिया। लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी अगर लगाई जा रही है तो इमरजेंसी लगाने का एक पर्टिकुलर रीजन और एक सही तरीका होता है। क्या सही तरीका होता है, पीपल वर राइट टू प्रोटेस्ट इन द डेमोक्रेसी, ऑल वी नो दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय विच एनी पर्टिकुलर पर्सन कैन इलेक्ट देयर रूलर। डेमोक्रेसी यही तो है, मतलब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र तो यही है कि सरकार की खामियों को अगर जनता एज अ प्रोटेस्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो दिखा सकती है, क्योंकि अगर 1974 का इलेक्शन धरना हुआ है, जनवरी का, मार्च का रेलवे हड़ताल पे गई है, तो इससे सरकार की खामियों का पता चलता है कि सरकार अपनी जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही है। अब सरकार अगर अपनी जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही है तो सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो अपने आप को और अच्छा करने की कोशिश कर सके, बजाय इसके कि देश के अंदर वो इमरजेंसी लगा दे। कहने का मतलब ये था कि जनता के पास राइट्स होता है डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करने का, एलिगेशन वन नो, और ऐसा कहा जाता था जो भी सरकार के खिलाफ एलिगेशन लगाया जा रहा था ऐसा नहीं था कि वो किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। नायक फिल्म के अंदर था ना कि पूरा का पूरा बाजार जला दिया, टीवी चोरी हो रहे हैं वगैरह वगैरह चीज चोरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो बिहार मूवमेंट का प्रोटेस्ट ले लीजिए, चाहे नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात का प्रोटेस्ट ले लीजिए, चाहे रेलवे हड़ताल पे चले गए उसका प्रोटेस्ट ले लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाने से पहले सबसे पहले होम मिनिस्टर्स को सारी बातें पता होती है, क्योंकि होम मिनिस्टर को पता होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से खराब हो रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर के पास पूरे देश की पुलिस उसी के अंडर में होती है। जबकि उस टाइम पे होम मिनिस्टर जो थे हमारे केसु बह जो भी नाम है रेड्डी करके इनका नाम है, तो आप देखेंगे कि ये उस टाइम पीरियड के अंदर पूरी तरीके से अगर ऐसे कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसे वो ऐसी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास पावर होती है। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मिस यूज करते हुए पूरी तरीके से अपनी पावर को रिगेन करने के लिए देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी रही है चाहे गुजरात में, बिहार में, अहमदाबाद के अंदर या रेलवे हड़ताल पर जा रही है, तो सिलेक्टेड पोजीशन पे हो रही है, आप पूरे भारत को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना।
तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए लोगों ने यही कहा। सरकार के खिलाफ इन्होंने आर्ग्यूमेंट करा कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी थी तो पहले होम मिनिस्टर को सारी बातें पता होती है, और आपने बिना होम मिनिस्टर से पूछे आप डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास गई, अपनी शक्ति का मिसयूज करा, और उसके बाद आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं बताया कि आपने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। तो ये कैसे इमरजेंसी लगाना हुआ, है ना? तो ये एक रीजन बोला जाता है। और उसके बाद क्रिटिसाइज पॉइंट आउट दैट आलोचकों ने यह भी बताया कि अगर इन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाई भी थी तो इन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जनता की ख्वाहिशों का पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाने के लिए कहा था हम वो पूरा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि प्रॉमिस वर अनफुलफिलमेंट जस्ट ड्राइव टू टेंशन मिसयूज पुनिटिव डिटेंशन एंड कस्टडी डेल्थ। मतलब कहने का मतलब ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने क्या करा, सरकार ने सिर्फ अपने प्रोमिसेस का मिसयूज करा, पूरा करे नहीं वादे, बस उन्होंने क्या करा, बस पूरी तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता था उसको पकड़ो, उसके बाद शक के भाप पे उसको रखो, कस्टडियल डेथ हो गई तो वो भी उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे प्रेस के ऊपर, तो मैंने आपको बता ही दिया था, और पूरा कंट्रोल संजय गांधी के अंडर में आ चुका था। संजय गांधी को पता है इंदिरा गांधी जी के बेटे, पूरा कंट्रोल इनके अंडर में आ चुका था। इवन ऐसा कहा जाता है कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो थे, ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर मतलब सरकार कुछ भी रेडियो के ऊपर बोलने जा रही है या सरकार कुछ भी छापने जा रही है तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को सारी बातें पता होती है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को भी कुछ नहीं बताया जाता था। सोचिए यहाँ पे संजय गांधी की इतनी चलने लग गई थी, तो उस टाइम पीरियड में ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन थे, जैसे हम प्रसारण विभाग मंत्रालय बोलते हैं वो कौन थे, कमेंट करिएगा, क्योंकि वो आगे जाके कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति भी बने थे, तो वो कौन थे कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है अभी, लेकिन कुछ तो बने थे वो जो इस टाइम पे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे, तो आप फाइंड आउट करिएगा। अच्छा, तो उसके बाद संजय गांधी के कंट्रोल में पूरा चला गया था, मतलब पूरा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके हाथ में चला गया था, और इन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग कमीशन के ऊपर फोकस करा जो 20 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं था। सोचिए मतलब नसबंदी करवाना, यंगस्टर की 22-25 साल की उम्र में लोगों की नसबंदी कराना, फैमिली प्लानिंग का कहां से हिस्सा हो सकता है? नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट था बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहा था कि उन्होंने यही कहा था कि मोदी की सरकार जो थी वो नोटबंदी में गई थी, नोटबंदी में जाएगी। मतलब उन्होंने ये बताया था कि नीतीश कुमार जो बिहार के क्या कहते हैं CM है, उनका स्टेटमेंट यही था कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो नसबंदी की वजह से गई थी, और जो BJP सरकार मोदी की है वो नोटबंदी की वजह से जाएगी। नसबंदी की वजह से क्यों गई थी, इसके पीछे ये रीज़न था जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अब नसबंदी क्या है वो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने पुअर पीपल को बेढंगे तरीके से स्थानांतरण करवाया, मतलब बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको माइग्रेट करवा के, खाली करवा के दूसरी और प्लेसेस पे भेज देना, जिसका जीता जाता एग्जांपल दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखा है, तो वो चीज़ है जिन्होंने माइग्रेशन करवाया, वो चीज़ें हुई थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम पीरियड पे हो रही थी, जो सरकार अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर रही थी। लेकिन आपातकाल से हमें एक चीज़ सीखने को तो मिलता है कि इससे हमें डेमोक्रेसी का टेस्ट हो गया। भला हमारे भारत देश के अंदर चाहे आपातकाल आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि हम लोकतंत्र की परीक्षा हमने इस टाइम पर ले ली थी और डेमोक्रेसी हमारा बना रहा। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने पूरी तरीके से क्लेरिफाइड कर दिया प्रोविजन के अंदर कि इमरजेंसी किस तरीके से लगाई जा सकती है। इमरजेंसी लगाने का भी एक रीज़न होता है, क्योंकि सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाने का मतलब बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है आंतरिक गड़बड़ी। अब देखिए आंतरिक गड़बड़ी तो कैसी भी हो सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है? आज की डेट में भारतीय किसान यूनियन जो है इतने टाइम पीरियड से धरने पे बैठा हुआ है, जो किसान बिल्कुल आने नहीं दे रहा। तो मोदी जी को अगर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस लगता है तो क्या मोदी जी देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं? तो ऑफकोर्स नॉट, बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस होने का मतलब बहुत सारा हो सकता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे भी हो सकता है, ठीक है? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए सरकार उसके भ्याप पे इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं कर सकती, इसीलिए हमने इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करा। हमने कहा देश के अंदर अगर इमरजेंसी लगानी है तो देश में इमरजेंसी लगाने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं लगाया जा सकता, आप आम रेबेलियन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, यानी कि 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग, 500 लोग अगर एक साथ खड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी के अंदर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है सभी लोगों को। हाँ, वो उससे किसी सरकारी संपत्ति को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे वो मैसेकियर करने जा रहे हैं, मास मर्डर करने जा रहे हैं, तो
अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो आम रेबेलियन है। मतलब 500 लोग अगर कट्टा माउज और पिस्टल लेके खड़े हुए हैं ना, इसका मतलब ये कि आम रेबेलियन हो रहा है, देश के अंदर गृह युद्ध की स्ट्रैटेजी बनने जा रही है। लेकिन 500 लोग अगर सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हो सकता है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हाँ, वही 500 लोग कट्टा माउस और पिस्टल लेके खड़े हुए हैं तो सिंपल सी बात है, वो आम रिबेलियन हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। तो हमने ये चीज क्लियरिफाई करा कि सरकार को क्या करना चाहिए। उसके बाद जब ऐसी चीज हुई ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बने। फिर वो आपको वो पता होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, जो हमने पहले भी इसके बारे में बताया था कि यूएन कैसे इसका पार्ट बनता है ना, यूएन ने कैसे इसको बनाया था। अब पॉलिटिक्स आफ्टर क्या कहते हैं इमरजेंसी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। 1977 के बाद इमरजेंसी खत्म होती है, जनवरी के अंदर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद ऑफकोर्स रेफरेंडम ऑफ द इमरजेंसी, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने पूरी तरीके से कहा कि भैया अब आपको लोकतंत्र बचाना है। सिंपल सी बात है, लोकतंत्र बचाना है तो देखो जनता खाना खाती है, जनता और कुछ तो खाती नहीं। जनता को पता था कि इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो सरकार उठा के जेल में बंद कर देगी, सबको पता था। लेकिन जनता को इतना पता था कि बेटा इलेक्शन आने दो, सबका हिसाब पूरा होगा। यहाँ पे इंदिरा गांधी को लगा कि मैंने इमरजेंसी लगा के ठीक करा, जनता सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जनता कुछ भी नहीं भूली। और यहाँ पे जेपी जी ने सभी ओपोजिशन लीडर्स को कहा अब एक साथ आने की बारी आ गई है, आपको एक साथ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी बनाई, याद रखिएगा जनता पार्टी 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाई गई थी। एमसीक्यू के अंदर अगर आएगा तो उसे जरूर आप फॉलो और फिल कर देना। प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं जयप्रकाश बसु लिखा हुआ है इसमें, जयप्रकाश बंधु लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फाउंडर कौन थे, फाउंडर हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, 1977 के अंदर बने थे। इसमें कौन कौन सी पार्टी मर्ज हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, क्योंकि आई तो उसकी थी ओ, ठीक है उसकी, सॉरी इंदिरा गांधी जी की थी, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल, ये पूरी पार्टी बनी जनता पार्टी, और जनता पार्टी ही बनी बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे रेफरेंडम पास हुआ और यहाँ पे पूरी तरीके से सारी पार्टियां एक साथ हुई, इनका नया सिंबल आया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार से भी बहुत लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़नी चालू कर दी और यहाँ पे नई सरकार बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पे जगजीवन राम जी जो इतने टाइम तक क्या कहते हैं इनके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, वो फाइनली कांग्रेस से निकल जाते हैं। तो ये चीज़ थी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे जनता पार्टी जीती इलेक्शन। रीज़न ये था कि इमरजेंसी लगाई थी, लीडरशिप जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चल रहा था और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से यूनाइट नहीं हो पा रही थी, जबकि दूसरी पार्टी पूरी तरीके से यूनाइट हो गई थी। तो यहाँ पे चुनाव के परिणाम में आपको पता है फिर क्या हुआ, जनता पार्टी को देख सकते हो आपको 330 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 154 सीटें मिली। कांग्रेस वन ओनली 145 सीट। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इनका सिंबल इस टाइम पे सिंबल जनता पार्टी का ये हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनता पार्टी ना जो थी, जनता पार्टी जो थी वो अब इतने बड़े इलाके पे जीत गई थी। इसमें कांग्रेस ओ, जनता दल सॉरी क्या कहते हैं लोक दल और भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टियां इनके साथ थी, तो इट इज काइंड ऑफ अ कॉलिनेशन गवर्नमेंट। अब कॉलिनेशन गवर्नमेंट में 1977 में सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं थी, जेपी जी पार्टी के अंदर आना नहीं चाहते थे गांधी की तरह, क्योंकि कभी भी वो हीरो नहीं बनना चाहते थे, समझ रहे, वो कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, राजनीति गंदी है, वो चाहते मैं आना ही नहीं चाहता, सिर्फ जब कुछ सिचुएशन हो तो ही मैं आगे बढ़ के सामने आऊँ। लेकिन इतने बड़े इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े इलाके के अंदर जीतती है। साउथ के इलाकों में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कांग्रेस रहती है, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के हारने के बाद नॉर्थ की साइड में थोड़ा बहुत इफेक्ट, नॉर्थ की साइड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, साउथ की साइड में कम इफेक्ट पड़ा कांग्रेस का। लेकिन इंदिरा गांधी जी संजय गांधी जी दोनों हार जाते हैं। साउथ की साइड में इसलिए इफेक्ट कम पड़ा क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी जो था ना उसका इफेक्ट कम पड़ा था इसी वजह से। अब यहाँ पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी, ये तीनों पूरी तरीके से क्या थे, कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन नहीं, कौन बनेगा पीएम वाला सीन यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मोरारजी देसाई जी जो कभी 1967 से ही उसके पीएम बनना चाहते थे कांग्रेस के, सोचिए इतनी लंबी लड़ाई और जब जाके 1977 में 10 साल बाद जाके वो पीएम बनते हैं, भाई इतनी बड़ी तपस्या थी तो सिंपल सी बात है पीएम तो बनेंगे। लेकिन सभी को पता था कि जो मोरारजी देसाई जी थे थोड़े से अल्लड़ बुद्धि के थे, किसी की सुनते नहीं थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पीएम बन गए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी 24 मार्च से 28 जुलाई 1977 तक, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी। चरण सिंह जी कब तक बने रहे, चरण सिंह जी फिर बने रहे कब तक,
वो बने रहे 24 जनवरी से 28 जुलाई तक, मतलब ज्यादा समय तक बनी नहीं पाए कोई भी। लेकिन यहाँ पे एक रीजन ये बताया जाता है कि जब वो 1977 में आए ना, तो तुरंत ही इंदिरा गांधी की सरकार के पीछे हाथ धोके पड़ गए। क्या पड़ गए? उन्होंने शाह कमीशन बनाया। शाह कमीशन का मेन मकसद ये था कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में सरकार ने जो भी गंद फैलाया था, जो भी बुरी चीजें करी थी, उन सभी चीजों का पूरी तरीके से भुगतान करना है सरकार को। इसलिए उन्होंने जस्टिस जे सी शाह को क्या बनाया, चेयरमैन बनाया इसका, शाह कमीशन का। और कहा कि शाह कमीशन का मेन काम होगा इमरजेंसी में जितना भी बुरा हुआ है उन सबका खाकर तैयार करके कांग्रेस की सरकार को बताना कि आपने इतने सारे गलत काम करे थे। तो ये सारी चीजें जेसी कमीशन ने बनाया, सारी चीजें करी। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके जेसी कमीशन ने उस टाइम पीरियड पे इसको काम पे वो दिया। और इस हिसाब से ऐसा कहा जाता था कि जिसे मैंने कहा ना कोलिशन गवर्नमेंट है 77 में, तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीजों की कमियां थी, डायरेक्शन की, लीडरशिप की और कॉमन प्रोग्राम की। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और इस वजह से क्या हुआ, मोरारजी देसाई जी के दिमाग में सारी बातें घुसती नहीं थी, वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। और इसकी वजह से डायरेक्शन, लीडरशिप, कॉमन प्रोग्राम की गलतियां थी, खामियां थी। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पार्टी 18 महीने तक चल पाई, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार जो थी सिर्फ 18 महीने चल पाई। और फाइनली मोरारजी देसाई जी ने मेजॉरिटी जो थी वो लॉस्ट कर दी, और जब यहाँ पे मेजॉरिटी लॉस कर दी तो उनको रिजाइन देना पड़ा। और रिजाइन देने के बाद देन फाइनली दोबारा एक नए व्यक्ति चुने जाते हैं, चरण सिंह जी। चरण सिंह जी कहते हैं कि अब मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया था, कांग्रेस पार्टी ने चरण सिंह जी को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया था, लेकिन चरण सिंह जी भी लंबे समय तक नहीं चल पाए क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया। और विद इन अ कुछ महीनों के अंदर वो भी जनवरी से जुलाई तक ही चल पाए थे 1979 में। और वहां पे फिर दोबारा से इनकी सरकार गिर जाती है और यहां पे नए सिरे से दोबारा इलेक्शन होने चालू होते हैं। नए सिरे से कब से, याद रखिएगा, नए सिरे से दोबारा से इलेक्शन होंगे 1980 के अंदर जाके जब नए सिरे से इलेक्शन होता है, देख सकते हैं आप, मतलब पहला इलेक्शन, अब आपको जनरल इलेक्शन समझ में आ रहे होंगे कब से कब तक। 67 में फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ था, 71 में फिफ्थ हुआ था, 77 के अंदर सिक्स्थ हुआ था, और 1980 के अंदर जाके सेवन्थ हुआ था। तो ऐसे जनरल इलेक्शन आप याद रखिएगा, 1980 में जाके दोबारा से जनरल इलेक्शन होता है। और यहाँ पे आप सरकार का सिंबल जो था कमल का फूल हो गया, किसका, भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद कांग्रेस सरकार का, अब यहाँ पे नई कांग्रेस आएगी और वो भी कांग्रेस आई आएगी, याद रखिएगा कांग्रेस आई, ठीक है, कांग्रेस आई है यहाँ पे कांग्रेस आई थी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बन गई। और यहाँ पे दोबारा से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो सत्ता में दोबारा से आ जाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे जनता पार्टी का आपस में कुछ वो था नहीं, आपस में मेजॉरिटी थी नहीं, इसकी वजह से लीडरशिप कमजोर होने की वजह से कांग्रेस पार्टी दोबारा से एक सोशलिस्ट पार्टी के रूप में उभर के आती है। और समाज में गरीबी नीतियों को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक मजबूत नेतृत्व लेके आती है। और सबका साथ सबका विकास नारा तो आज मोदी ने दिया है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने पूरी तरीके से जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। और यहाँ पे पूरी तरीके से आप देखेंगे कि पार्टी अगर आपस में लड़ेगी, झगड़ेगी, है ना, तो मतदाता तो कहीं ना कहीं उसे कड़ी सजा देंगे ना, क्योंकि वैसे भी इमरजेंसी के बाद एक ही सरकार पे भरोसा था, जनता पार्टी की सरकार पे, और वही आपस में लड़े मरी जा रही थी। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो इंदिरा गांधी थी, इसलिए इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। और यहाँ पे इंदिरा बुलाओ देश बचाओ की वजह से इंदिरा गांधी जी 1980 के अंदर दोबारा आ जाती है। अब इंदिरा गांधी जी 1984 में मर जाएंगे, फिर राजीव गांधी जी आएंगे, और उसके बाद सिस्टम चलता रहेगा आगे जाके, ठीक है। तो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट क्या था। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे उसका रिप्लाई जरूर करिएगा। दिस इज इन दिस वीडियो।